हेलो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनट्स टू लर्न में। दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो आपने बचपन में बहुत बार खेली होंगी। दोस्तों, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है पेपर गेम्स। जी हाँ, पेपर गेम्स तो बहुत बार खेली होगी आपने अपने बचपन में, लेकिन आज किस किस को याद रहती है ये पेपर गेम्स। तो दोस्तों, हमारे पेपर गेम्स में आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है गेम सबसे पुरानी, जो सबको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी खेलनी, आज भी लोगों को अच्छी लगती है खेलना। तो दोस्तों, हमारी जो पेपर गेम है उसका नाम है बैटल स्ट्रेटजी। दोस्तों, इसका जो हिंदी नेम है वो है युद्ध। जी हाँ, युद्ध, यानी आपको युद्ध का नाम सुनते आपको महाभारत और ऐसे कुछ युद्ध याद आ गए होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। अब आप सोचते होंगे ऐसा है भी और नहीं भी तो कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पे युद्ध जो होगा वो होगा पेपर पे, पेपर और पेन का युद्ध होगा। जी हाँ, ये युद्ध पेपर और पेन में, यानी ऐसा नहीं है कि लिख के उसको मार देना है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको किस तरीके से इस गेम को खेलना है उसके लिए हम आपको हमेशा से बताते आए हैं, और आज भी इस गेम के जो रूल्स हैं और इसको किस तरीके से खेलते हैं, यानी कि हाउ टू प्ले दिस गेम। तो पहले सबसे पहले हम लेंगे दो पेपर्स। जी हाँ, दो ब्लैंक पेपर्स लेने हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले उसके ऊपर बनानी है 11 लाइन सीधी और 11 लाइन आड़ी, आड़ी 11 लाइन और सीधी 11 लाइन, यानी एक सीधी खड़ी हुई और दूसरी सोई हुई 11 लाइंस। तो दोस्तों, हमने जो लाइंस बनाई हैं ऊपर से, हम जो आड़ी लाइनें हैं उस पर लिखेंगे ए टू जे, और जो सीधी लाइन्स है उसमें हम लिखेंगे 1 to 10। ऐसे आपको नंबर्स और अल्फाबेट्स को आपको लिख देना है। तो दोस्तों, अब इसमें आएगा एक और ट्विस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ग्राउंड बना दिया है एज अ कॉलम के रूप में। उस ग्राउंड को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि युद्ध के मैदान को क्रिएट करेंगे। अब युद्ध के मैदान को कैसे डिवाइड करेंगे? युद्ध के मैदान को क्रिएट करेंगे ए वन से लेके जे फाइव तक, और दूसरी टीम का जो होगा 6A से लेके 10J तक। तो यहाँ पे युद्ध का मैदान डिवाइड हो गया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको अब खेलना कैसे है। उसमें लगेगी आपकी सेना। अब सेना में आप सोचेंगे कि सेना में कौन सी सेना लगेगी? जी हाँ, आपकी सेना होगी जिसमें आप खुद होंगे राजा। उसके बाद एक होगा वजीर, चार होंगे तोफ, चार होंगी टुकड़ी सेना, दो होंगे घोड़ा सेना, और दो होंगी हाथी सेना, और दो होंगे तीरंदाज। अब आपकी सेना को आपको आपके पेपर पे हाइड करना है कॉलम्स के ऊपर। अब वो कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो और दो ब्लैंक पेपर्स बचे हैं उनका अब क्या करना है? उनका ये करना है कि जो एक ब्लैंक पेपर है वो आपकी ऑपोजिट टीम को देना है, और दूसरा जो ब्लैंक पेपर है आपको खुद के पास रखना है। अब क्या करना है? अब आपको पहले जो एक पेपर था जिसमें कॉलम्स बने थे वहां पे आपको अपनी सेना को सेट करना है। अगर आप वजीर को A1 पे रख रहे हैं तो आपको लिखना है वजीर A1, वहां पे आपको लिखना है दूसरे पेपर जो आपको दिया गया है। वैसे ही आपकी ऑपोजिट टीम भी अपनी जो सेना है उसको डिसाइड करेगी और वैसे ही अपने कॉलम्स को सेट करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये हमने बता दिया। अब आप दोनों की सेनाएं बनके रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद अब आपको खेलना कैसे है ये भी हम आपको बता देंगे। दोस्तों, पहले तो आपने कॉलम्स बना दी, आपने सेना भी सेट कर दी। उसके बाद जो आपके हाथ में पेन होगी उसको साइड रखना है, नीचे रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथ में पेन होगी या सामने वाले के हाथ में पेन होगी तो चीटिंग करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको यूज़ करना है गैस वर्क। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सामने वाले की सेना को मारना है एज अ गैस वर्क को यूज़ करके। आपको गैस करना है कि सपोज टू बी उसकी जो सेना है वो है A5 में, और आपने भी सही गैस किया A5 में, तो वहाँ पे आपको पहनना है सर्किल। तो अगर आपने वो बराबर गैस किया तो आपका सर्किल वहाँ पे आ गया। अगर आपने गैस किया है A3 और उसकी सेना है A5 में, तो वहाँ पे आपको पहनना है क्रॉस। वैसे ही आपको टर्न बाय टर्न दोनों को
को ऐसे इसी तरीके से खेलना है, जहां पे जीरो कभी एक्स कभी जीरो, ऐसे करते करते आपको सामने वाले की सेना को खत्म करना है, या तो ऑपोजिशन वाला आपकी सेना को खत्म करेगा। दोस्तों ये जो गेम है ना, ये थोड़ी सी आपके लिए नई होगी, क्योंकि ये दिमाग की गेम है और दिमाग की गेम को खेलने में और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे गैस वर्क यूज हो रहा है। आपको नहीं पता सामने कॉलम में कौन सी सेना कहाँ पे है। जैसे दोस्तों युद्ध में होता है कौन सी सेना कहाँ से आएगी, कहाँ छुपी है, तो वो आपको पता नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे भी पेपर युद्ध में ऐसा ही कुछ है जो आपको गेस करना है और आपको सामने वाली की सेना को मार उतारना है। तो दोस्तों ये जो गेम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट वाली है, तो आप इसको मज़ेदार करके और अच्छे से खेलें, और इस गेम में मुझे पता है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों फिर हम आपके लिए लाएंगे ऐसी ही पुरानी गेम्स जिनको आप भूल चुके हैं, लेकिन हम आपको हमेशा याद कराएंगे और सिखाएंगे आपको उसके खेलने के तरीके। तब तक दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में आप ये भी लिखिएगा कि आपको इसके बाद और कौन सी गेम्स देखनी है जो आप भूल चुके हैं, आपको नहीं पता उसके खेलने के तरीके, और हम आपको बताएंगे इसके खेलने के तरीके। बाय बाय।